जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, आदिवासी वोट बैंक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान बढ़ती जा रही है। कई आदिवासी संगठन बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रांची में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार पर चर्चा करने के लिए आदिवासी संगठन और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे। कई ऐसे जो इशू हैं, मुद्दे हैं, जिसमें आदिवासी को मैंने आपस में शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, सामाजिक जो एक्टिविस्ट हैं, ये सारे लोग मिलकर एकजुट हो और जो सरकार जो गलत तरीके से निर्णय ले रही है, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा जो कुछ निर्णय लिए जाना है, जितने भी आदिवासी जनजातीय मामले में कुछ ऐसे निर्णय सरकार द्वारा लिया जा रहा है, इसको चिंतन मंथन करने की जरूरत है। आदिवासी संगठनों ने इस बात पर चिंता जताई कि आजादी के बाद से ही विकास के नाम पर आदिवासियों को बेदखल कर उनकी हजारों एकड़ जमीन ली गई है। जो जमीन बची है उस पर भी रघुवर सरकार की नजर है। इसे सरकार उद्योगपतियों को देना चाहती है। 2019 में इलेक्शन भी है और समाज को कैसे एकताबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, उसकी विचारधाराओं को कैसे हम परास्त करें, इसको लेकर के सेमिनार हो रही है और आदिवासियों के बीच में हो रही है। तो हमारे लोगों को कैसे पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में, चाहे छठी अनुसूची के क्षेत्र में, पेशा कानून के क्षेत्र में जो उसकी धाराएं हैं, उसका अधिनियम है, उसको कैसे हम अपने आप को जाने, इसलिए इसमें विपक्ष के लोग के साथ साथ यहाँ के बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, यहाँ के वकील को भी बुलाया गया है और इस तरह सेमिनार भी एक आंदोलन है। झारखंड आदिवासी बहुमूल्य राज्य है, जहाँ सरकार बनाना और सरकार गिराना आदिवासियों के वोट पर ही निर्भर करता है। ऐसे में बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ के आदिवासियों का गुस्सा और इस तरह के बैठकों का दौर आने वाले समय में बीजेपी के सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। रांची से रफी सामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN।